आज टीआरएस ऑफिस में एक मीटिंग मुनाकिद की गई थी जिसमें टीआरएस कायदीन शामिल थे। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन अकबर हुसैन ने हाईटेक न्यूज से बात करते हुए कहा कि सियासी पार्टियां जो टीआरएस पार्टी पर इल्जाम आयद कर रही हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, ये सब गलत है। केसीआर हुकूमत ने जो स्कीमात निकाली है वो अभी तक किसी भी हुकूमत ने नहीं निकाली। अकबर हुसैन ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। आज तेलंगाना स्टेट में जिस तरह हर पार्टियों ने एग्जाम लगा रहे हैं कि टीआरएस हुकूमत क्या करी है, गुज़श्ता 60 साल में कांग्रेस और तेलुगु देशम हुकूमत आंध्र प्रदेश में करी है और कभी माइनॉरिटीज को कोई स्कीमों से कभी फायदा नहीं किए। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह केसीआर साहब ने 2014 में हुकूमत बनाए बाद वो पहली मर्तबा उस हुकूमत में एक डिप्टी सीएम और एक रेवेन्यू मिनिस्टर दिया गया और मुस्लिम माइनॉरिटीज को 1050 का बजट ऐलान किया गया। उसमें सबसे बड़ी बात तालीम के मैदान में इस तरह माइनॉरिटी रेसिडेंट स्कूल्स और शादी मुबारक के लिए 51,000 का ऐलान किया गया। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कई स्कीम से माइनॉरिटीज को नवाजा गया है। जिस तरह कांग्रेस और तेलुगु देशम 60 साल से मुसलमानों को मुस्लिम माइनॉरिटीज को खाली इलेक्शन के झूठे वायदे देते हुए और मुसलमानों को खाली वोट के हद तक यूज किया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह केसीआर साहब ने तेलंगाना तहरीर से ही मुस्लिम माइनॉरिटीज को अच्छे बड़े से बड़े होदे से नवाजा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आज मुस्लिम माइनॉरिटीज को 9 कॉर्पोरेशन चेयरमैन दिया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह 4 MLCs दिया गया है। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ जिस तरह कांग्रेस और तेलुगु देशम ने आज जहाँ मुस्लिम माइनॉरिटीज को मुसलमानों को यहाँ के रियासत तेलंगाना के जो गुमा कर रही है, जो गलत एग्जाम में उनको एक कन्फ्यूजेशन में रख रही है, आप देख रहे हैं जिस तरह केसीआर साहब ने आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह रियासत तेलंगाना में माइनॉरिटी रेसिडेंट स्कूल्स कायम किया गया है और शादी मुबारक लाई गई है और मुस्लिम माइनॉरिटीज को बेरोजगार नौजवानों को अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह उस बजट में भी 100% सब्सिडी का दिया है, उसमें 1,700-1,500 बेरोजगार नौजवानों को आज वो लोन मिल चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह सा जिस तरह ख्वातीम जिस तरह मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में सिलवई के लिए मशीनों के लिए पुराने मशीन पे 3-4 हज़ार की मशीन पे काम किया जाता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह रियासत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर साहब बने बाद अल्हम्दुलिल्लाह उस मशीन उषा मशीन जिस तरह 10,000 की कीमत है, उसमें कई किस्म के कोर्सेस है और कई किस्म की टेक्नोलॉजीज है, अल्हम्दुलिल्लाह वो मशीन 9 करोड़ के अब तक हम दे चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 11 सेंटर दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कंप्यूटर सेंटर उर्दू अकाडमी से जाता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह माइनॉरिटी फाइनेंस कंप्यूटर सेंटर्स जो चिराग कंप्यूटर सेंटर्स इसका नाम ऐलान किया गया बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह रियासत तेलंगाना में 38 सेंटर्स हम पूरा प्लान बनाए बाद उसमें 11 कंप्यूटर सेंटर्स दिया गया है, उसमें बॉयज़ और गर्ल्स को फ्री ट्रेनिंग दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं क्योंकि इन लोग कई एग्जाम लगा रहे हैं और हुकूमत केसीआर साहब ने मुसलमानों को क्या की, अल्हम्दुलिल्लाह जिससे जिसको फायदा हो रहा है उनसे पूछिए, पूरी आवाम मुस्लिम माइनॉरिटीज यहाँ केसीआर साहब के हक में दुआएं कर रहे हैं और केसीआर साहब इंशाल्लाह फिर हुकूमत में आएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद और माइनॉरिटीज को इससे से अच्छे से अच्छे स्कीम नवाजा जाएगा। मैं अंबदन जितने लोग कांग्रेस और तेलुगु देशम जो यहाँ पर कन्फ्यूजेशन कर रहे हैं इनको मोतोड़ जवाब बताइए आइंदा इलेक्शन में, इंशाल्लाह केसीआर साहब के हक मजबूत करिए, इंशाल्लाह फिर हुकूमत हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के रहेंगे, इंशाल्लाह 100 सीट हम इंशाल्लाह जीत के बताएंगे और कांग्रेस और तेलुगु देशम की डिपॉजिट जब होके देखेंगे। जय तेलंगाना, जय केसीआर साहब।